यहाँ पूजा हो रही है, किंतु प्रसाद कहाँ है? हरी भोजन तक कहाँ पहुंचा रहे हैं मुझे? हमारे विश्वास की आस की डोर अब टूट रही है। कैसे पालनहार हैं आप जो आहार भी नहीं दे सकते? कमल नयन चतुरानन हाथ चक साजे, ओम जय नारायण। पुत्री, अंधेरा होने वाला है और पुत्री कहाँ चली गई? अभी तक लौटी क्यों नहीं? पुत्री घर से बाहर है, मुझे चिंता हो रही है। किंतु मैं करूँ तो क्या करूँ? कहीं वो किसी विपदा में तो नहीं है? आज भी भूखे पेट ही सोना होगा। नहीं, भगवान नहीं है, नारायण नहीं है, सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं भुवनेश्वरं श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि। सचमुच परम सत्य है तो सत्य को उजागर कीजिए, संकेत दीजिए मुझे प्रभु। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिसके कारण हमें इतने कष्ट का सामना करना पड़ रहा है? प्रभु, मैं प्रण लेती हूँ, मैं उस भूल को अवश्य सुधारूंगी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। प्रभु श्री नारायण नारायण हरि।
नाथ सहाय करें जब जान की नाथ सहाय करें श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लो श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा का प्रसाद। मैं सभी को प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है अन्य लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का। श्रीमण नारायण नारायण हरि हरि भजमण नारायण नारायण हरि हरि आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी करूंगा और उनका व्रत भी। आप तो आज श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने वाले हैं और मैंने तो सारी तैयारी भी कर दी है। एक व्यापारी की धर्म पत्नी होकर आप ऐसे विचार ला रही हैं? मन माँ पिताजी से सदा सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए कहती थी और पिताजी सदा अपना संकल्प टालते रहते थे। प्रभु आपकी अपरंपार महिमा को स्वीकार नहीं किया स्वामी ने। मेरे इतने कहने पर भी उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण नहीं किया प्रभु। किंतु प्रभु आपके इस भक्त को इस कष्ट से उबरने की कृपा कीजिए प्रभु। मुझे और मेरे स्वामी को क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे इस परिवार पर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। सत्य है प्रभु श्री सत्यनारायण, जिसका प्रमाण है ये व्रत, जिससे सुख के द्वार खुल जाते हैं। पुत्री तुम्हें भी ये व्रत करना चाहिए, सभी दुख दूर होंगे, अपार सुख की प्राप्ति होगी। भगवान नहीं है, नारायण नहीं है, सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। एक और दोष किया मैंने। संकेत दिए हे परम सत्य परम प्रभु। हे
सत्यनारायण भगवान, आपको कोटि कोटि नमन। मैंने तुमसे कहा था ना कि सूर्यास्त होने से पहले लौट आना, तो फिर तुम आई क्यों नहीं? मैं कितनी भयभीत हो गई थी। माँ, माँ हमसे भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल। भूल तो हुई है हमसे पुत्री, भूल तो हुई है। स्वामी ने अपना संकल्प पूर्ण नहीं किया, प्रभु को दिए हुए शब्दों का मान नहीं रखा, पर इसमें हम सभी दोषी हैं। पिताजी का संकल्प हम भी तो पूर्ण कर सकते थे, उन्होंने नहीं रखा, किंतु हम तो व्रत रख सकते थे। माँ, प्रभु मैं प्रण लेती हूँ, मैं उस भूल को अवश्य सुधारूंगी। सत्य है प्रभु और उनकी सत्यता का प्रमाण आज मुझे मिल गया है। मैंने प्रण लिया है माँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैं अवश्य रखूंगी। और मैं भी तुम्हारे साथ ये व्रत अवश्य करूंगी पुत्री। किंतु क्या माँ? किंतु जहाँ अन्न का एक दाना नहीं है, वहाँ सभी सामग्री, वो भी सवा शेर मात्र में, कहाँ से लाएंगे हम पुत्री? कहाँ से? जो प्रभु सत्य है उन पर अविश्वास कैसा? माँ, हमारा भय मिथ्या है, हमारे प्रभु सत्य है। आज उन्होंने हमें ये प्रसाद दिया है, कल सामग्री भी देंगे, आप निश्चिंत रहिए माँ। और वैसे भी प्रभु तो अपने भक्तों के भक्ति के भूखे हैं, और हम उनकी कृपा दृष्टि के। ग्रहण कीजिए। भूल कितनी भी कैसी भी हो, प्रभु अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। प्रभु श्री सत्यनारायण ने कलावती को अपने होने की सत्यता का विश्वास ही नहीं दिलाया, बल्कि उसे अपनी भूल सुधारने का अवसर भी प्रदान किया। फिर क्या हुआ राजन, कलावती व्रत की सामग्री जुटा सकी? जब मैं समृद्ध था तब मैं किसी से कुछ भी नहीं बांटता था, ना ही किसी प्रकार का दान पुण्य करता था। जब कोई दीन दुखी मेरे पास आता था तब मैं उसे धुत्कार दिया करता था, और जब मेरे स्वयं के परिवार ने दूसरों से दान मांगा तो सभी को मना कर देना चाहिए था, किंतु प्रभु का चमत्कार देखिए, उस दिन किसी ने भी ना नहीं किया।
धन्यवाद। श्री सत्यनारायण जी की पूजा में अवश्य आइएगा। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, श्री सत्यनारायण जी की पूजा में अवश्य आइएगा। चतुरान हाथ चक्र साजे, ओम जय श्री सत्यनारायण जी की पूजा में आप अवश्य पधारिएगा। मैंने कहा था ना माँ, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे हम पर। कल जैसे उन्होंने प्रसाद दिया था, वैसे ही आज हमारे संकल्प पूर्ति के लिए उन्होंने ही हमारी झोली भरी है माँ। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सब जन तुमको पूजे, सिद्धि सब। आप भी बड़े दयालु हैं स्वामी। भक्त ने आपकी पूजा के आरंभ की और आप यहाँ फल देने के लिए व्याकुल होने लगे। भगवान तो भक्त और उसकी भक्ति के अधीन होते हैं प्रिय। भक्त और भगवान तो वैसे भी एक दूसरे से विलग हो ही नहीं सकते। भक्त भगवान को स्मरण करने का अवसर ढूंढता है, तो मैं भक्त के साथ उसकी परछाई बन खड़ा होने का। भोजन ग्रहण करो। एक दिन तुम्हारे राजा को अपनी भूल का पता अवश्य चलेगा। तब हम उसे बताएंगे कि यहाँ कारागार में तुम दोनों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है। ए, शांत हो जाओ। पिताजी। ये क्या कर रहे हो तुम? बुरे कर्म कर हंसने वालों को आगे चलकर रोना ही पड़ता है। अपने हर कर्म का दंड भोगना ही होता है। हमने तो जो किया सो किया, तुम्हें किन बुरे कर्मों का फल मिल रहा है? यदि ये बुरे कर्म का फल है तो अच्छे कर्म का फल भी मिलेगा। तुम्हारे महाराज को इनकी भूल का भान अवश्य होगा। आ, चंद्रकेतु के हाथ से आज तक कोई चूक नहीं हुई, लेकिन आज ये कैसे हुआ? चूक भी हुई और ये घाव भी लगा। फिर प्रयास करता हूं। अब तो मेरा धनुष ही टूट गया। के लिए सब कुछ तैयार है। किंतु श्री सत्यनारायण जी की पूजा में अतिथियों का आना आवश्यक है पुत्री, परंतु अभी तक कोई आया ही नहीं।
लगा, लेकिन हमें तो अन्य अतिथियों की प्रतीक्षा थी ना। मैंने कहा था ना पुत्री कि हमारे घर कोई नहीं आएगा। माँ तो क्या हो गया? ये गौ माता ही हमारी अतिथि है, पूजा के बाद हम इन्हें प्रसाद देंगे। हाँ पुत्री, तुम उचित कह रही हो। क्या हुआ है आज? मैं बार बार आहत क्यों हुआ? मेघ वर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, कमल नयन चतुरान हाथ चक्र साजे। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? सावधान चंद्र के, तुम अब कोई चूक नहीं होने देना। सावधान रहने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ?
कहीं ये शैया भी ना टूट जाए। किंतु ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे संकेत दीजिए, मैं उसे अवश्य सुधारूंगा। मुझे संकेत दीजिए प्रभु, मुझे संकेत दीजिए, मैं उसे अवश्य सुधारूंगा। प्रभु मैं बार बार क्यों आहत हो रहा हूँ? मैंने जानबूझकर तो कोई भूल नहीं की। पूर्ण विश्वास है तुम्हें कि तुमने कोई भूल नहीं की? प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझसे क्या भूल हुई है? जो निर्णय करते हो उन पर कभी विचार करते हो तुम? क्या वो सभी निर्णय उचित थे? महाराज यही हैं वो दोनों चोर। अरे नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए महाराज, हम लोग कोई चोर बोल नहीं है, हम लोग तो दोनों व्यापारी हैं महाराज। तुम्हारे सैनिकों ने जब साधु व्यापारी और उसके जमाई को दोषी ठहराया था तो क्या तुमने खुले मन से दोनों पक्षों की बात सुनी थी? ये दोनों उसी नौका में चढ़ा रहे थे, यदि हमें थोड़ा सा भी विलंब होता तो ये दोनों संदूक के साथ निकल जाते। नहीं 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 महाराज, ये असत्य है। तुमने अपना अंतिम अवसर भी गवा दिया है। असत्य बोलने वाले दया के नहीं दंड के पात्र होते। नहीं प्रभु, जो मेरे सैनिकों ने कहा वो तो मैंने सुना, लेकिन जिनको वो दोषी ठहरा रहे थे उनकी बातों को मैं अनसुना करता रहा। उनके दोष का क्या तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण था? प्रमाण? प्रभु मैंने तो इस पर उचित विचार ही नहीं किया और बिना प्रमाण जांच के निर्णय सुना दिया, उन्हें दंड दे दिया। स्मरण है ना राजन, एक निर्दोष को दंड देना अधर्म है और एक राजा की ये सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें न्याय करते समय साधु और उसके जमाई के पक्ष को भी सुनना चाहिए था। प्रभु मुझे क्या संकेत देने का प्रयत्न कर रहे हैं? अब वो समय आ गया था जब महाराज चंद्रकेतु को उनकी भूल का भान होने वाला था एवं परिस्थितियां सामान्य होने वाली थी। मुझे बारंबार ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे हमसे कोई भूल हुई हो? एक पहर और बीत गया। नहीं आया कोई मुझे निमंत्रण देने। अब मैं स्वयं जाऊंगी और पूछूंगी, क्या मैं उनकी पुत्री नहीं? क्या मैं इस परिवार का अंग नहीं? क्या इस पूजा में भाग लेना मेरा अधिकार नहीं? कैसा बवंडर कैलाश की ओर बढ़ रहा है? विवश होना पड़ा मुझे बिना निमंत्रण पाए कैलाश आने पर।
क्या है इस बवंडर का स्रोत? जो भी हो, मैं श्री सत्यनारायण पूजा मध्य में छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकता। पूजा संपन्न होने पर ही मैं कुछ कर सकूंगा। पूजा संपन्न हो उससे पूर्व कैलाश को मेरा क्रोध सहना होगा। एक पुत्री का क्रोध। जब कोई व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करता है तो ईश्वर सदैव उसकी सहायता करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।